मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके दिल में हिंदू रहते हैं, ये तो आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप एक पीठ के महंत हैं और आपकी पूरी विरासत है, लेकिन इस दिल में कहीं मुसलमानों के लिए भी थोड़ी जगह है सबका विकास सबका साथ के साथ? देखिए आप, हम लोग जब विकास कर रहे हैं तो विकास में फिर जाति मत मजहब कहां से आ जाता है? कहां से आया मैं बताता हूं, मैं आपको बताता हूं, मैं बताता हूं, सुन लीजिए कि गोरखपुर में अगर कोई मोहल्ला है, बाजार है जिसका नाम था मियां बाजार, आपने उसको कर दिया माया बाजार, करवा दिया। अली नगर कोई था उसको करवा दिया आर्य नगर। उर्दू बाजार को कर दिया हिंदी बाजार। अब दो दुकान वहां है, एक किसी रामलाल की है तो हिंदी बाजार है, एक सुलेमान की है तो उर्दू बाजार है। ये आपका गोरखपुर है जो आपने किया, इसलिए मैंने पूछा। हमने तो कहा कि हमने किया है, नहीं हुमायूंपुर को हमने हनुमानपुर कर दिया है, इस्लामपुर को ईश्वरपुर कर दिया है, और भी करेंगे अभी जी, और भी बदलेंगे, जो हमारे अनुकूल होगा हम वो काम करेंगे, जिससे हमारी पहचान होगी उसको हम करेंगे, और कोई बुरा नहीं है ये। अगर नाम बदल दिया है, आपने मायावती जी को नहीं कहा जिन्होंने अकबरपुर को अंबेडकर नगर कर दिया है? जब इसको भी तो बोलिए, आप कहिए कि मेरे दिल में सिर्फ हिंदू बसते हैं और मैं सबका साथ सबका विकास, नहीं हिंदू का साथ हिंदू का विकास, फिर सबका हटा दीजिए, फिर ये विकास, ये तो नामकरण हुए हैं। हम जब फर्टिलाइजर कारखाना खोलते हैं तो उससे सभी लोग लाभान्वित होते हैं, हम एम्स खोलते हैं तो उससे सभी लाभान्वित होते हैं, हम सड़क बनाते हैं तो सभी लोग उससे लाभान्वित होते हैं, हम गोरखपुर में वायु सेवा शुरू करते हैं तो सभी लोग उससे, केवल हिंदू ही थोड़े जाता है, मुसलमान भी उससे जाता है। एम्स बनेगा तो सभी लोगों का उपचार होगा, और यही नहीं, आप दूर की बात कर रहे हैं, आप जाइए गोरखनाथ मंदिर में जाइए पहले, और गोरखनाथ मंदिर के अन्न क्षेत्र में जाइए, जितना हिंदू भोजन नहीं पाता होगा उससे ज्यादा मुसलमान भोजन पाता है। गोरखनाथ मंदिर के चिकित्सालय में जाइए, जितने हिंदुओं का उपचार नहीं होता होगा उससे ज्यादा मुसलमान उससे लाभान्वित होता है। क्या बात कर रहे हैं? चलिए नहीं, कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो जो आपने किया उसी की आपको बता रहा हूं, मैं बात कहां कर रहा हूं, मैं तो तथ्य पे बात करूं। एक मिनट आप, नहीं एक मिनट, अभी आपने कहा कि एम्स में सबका इलाज होगा, जाहिर होगा वहां ऐसा कोई इंतजाम नहीं होता, आखिर ये हम ही लोग तो करा रहे हैं, जाहिर है वहां ऐसा नहीं हो सकता कि दाढ़ी वाला देख के उसको कहीं और भेज दिया जाए टीका। लेकिन फिर ये लड़ाई क्यों ऐसी है कि मियां बाजार का नाम माया बाजार या उर्दू बाजार का नाम हिंदी बाजार, अली नगर को आर्य, जिसका जो नाम है रहने दीजिए। क्यों रहने दे? नहीं मैं क्यों रहने दे? इसका तर्क मैं जानना चाह रहा हूं, क्यों रहने दे? हम जानना चाह रहा हूं इसका तर्क। कोई तर्क ये है कि यह देश पहले वह माया बाजार था, औरंगजेब के समय मियां बाजार हो गया, हमने कहा नहीं इसको फिर से माया बाजार करो। इस्लामपुर नहीं था पहले, ईश्वरपुर था, इस्लामपुर जबरन कर दिया गया, हमने कहा फिर से ईश्वरपुर करो। तो ये जो हनुमानपुर था उसको हुमायूंपुर किया गया, फिर से हनुमानपुर किया गया, बहुत अच्छा, कोई बुरा नहीं किया। अगर तो किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा, एक मिनट, किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा किसी कालखंड में कुछ ऐसा कार्य किया गया है उसको बदला जाना चाहिए, यह देश की सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई भी है। सही बात है, तो आप ताजमहल का नाम राम महल कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे? कर देंगे, बिल्कुल किया जाना चाहिए, आवश्यकता है तो किया जाना चाहिए। चलेगा तो जो जो मुमताज महल के लिए शाहजहां ने ताजमहल बनाया उसको जांच का विषय है, चर्चा करिए ना इस पर कभी खुले मंच पर। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब जो भी पुरानी विरासत है, अगर कहीं लाल कोई विरासत नहीं, कुतुब मीनार, जो देश के हित में होगा हमें वह कदम सख्ती के साथ उठाना चाहिए, बिना सोच, बिना लॉन्ग लपेट के, बिना संकोच के, तो देश के हित में, देश की सुरक्षा के हित में है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के हित में हमें वो कदम उठाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तो योगी जी आप ये मानते हैं, आप थोड़ा गुस्से में हैं, तो मैं कोई गुस्सा नहीं हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब हुआ कि आप देश के हित में मतलब मानते हैं, जो 20-22% मुस्लिम आबादी है वो देश हित के खिलाफ है, उनको हाशिए पर रखकर आप अपना देश, अपनी दुनिया, आप कभी गोरखपुर आएंगे ना, वहां मुसलमान जब पीड़ित होता है तो वह कहीं और नहीं जाता, वो मेरे पास ही आता है, कहता साहब देखो फलाना गुंडा उसके पास कोई विकल्प नहीं, परेशान कर रहा है, और उत्तर प्रदेश सरकार से भी जो पीड़ित होता है तो भी मेरे पास ही आता है, कहीं और नहीं जाता है। अकेले सांसद हूं जो 2-3-4 घंटे पब्लिक के लिए खुले उसमें बैठता हूं, कोई सुरक्षा नहीं, कोई तामझाम नहीं, कोई भी आए अपनी बात कहें, और फिर अगर बातचीत से मानेंगे ठीक, नहीं तो आंदोलन का रास्ता वहां तय होता है। हर एक व्यक्ति की सुरक्षा और हर एक व्यक्ति का विकास आपको देखना गोरखपुर में जाकर के। एक बार इसको ये बोलेंगे, हर एक व्यक्ति मतलब हिंदू हो या मुसलमान, जो भारत का नागरिक है, जो भारत का नागरिक है वो हमारा नागरिक है, उसमें जाति मत और पंथ कहां की बात आती है? जब उस, अरे मैं सनातन हिंदू धर्म का उपासक हूं, बदलना चाहते हैं, सनातन हिंदू धर्म का उपासक हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की बात करता हूं, मैं किसी मत और मजहब का विरोधी नहीं, लेकिन जो भारत का विरोधी है मैं उसका विरोधी हूं सर, वो कोई भी हो मैं उसका विरोधी हूं।